आप देख रहे हैं साधना और समाधान। अघोर प्रेत मसान बंधन चाहे आपके घर में लगा हुआ है या फिर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर लगा हुआ है, तो इस बंधन को आप केवल 2 मिनट में दूर कर सकते हैं खुद ही। तो क्या है अघोर प्रेत मसान बंधन को दूर करने की विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जो टोटका, यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर में अघोर प्रेत मसान का कोई बंधन लगा हुआ है या फिर आपके शरीर के ऊपर अघोर प्रेत मसान का कोई बंधन है, तो इसको आप केवल 2 मिनट में खुद ही कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी जो संपूर्ण विधि है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जिस भी घर में अघोर प्रेत मसान का अगर बंधन लग जाए तो कोई भी कार्य उस घर का सफल नहीं हो पाता और पूरे घर में पूर्ण रूप से दरिद्रता छा जाती है और पूरे घर में बीमारी का आलम बना रहता है। और रात्रि को सोने के बाद जब आप विश्राम करते हैं तो कूड़े करकट गंदगी के भोग बिलास के सपने आने शुरू हो जाते हैं और रात्रि को आपको दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और बुरी शक्तियां बाहर से आवाज लगाने लगती हैं और आपकी जो नींद है वह भी पूरी नहीं हो पाती और छोटी छोटी सी बातों के ऊपर घर में कला क्लेश का वातावरण शुरू हो जाता है। तो अघोर प्रेत मसान ये बंधन क्या होता है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दरिद्री हो, जो नहाता धोता ना हो या फिर शराब मदरा का ज़्यादा सेवन करता हो, पाठ पूजा या किसी मंदिर गुरुद्वारा में ना जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको मिलती है प्रेत जूनी और अघोर का रूप वह धारण कर लेते हैं। और जो शमशान में जब इनको जलाया जाता है तो मसानी के शमशान के जे अंडर हो जाते हैं, तो जे अघोर प्रेत जे जो मसान का बंधन है जब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर लग जाए तो उसको भी वैसा ही बना देते हैं, जैसे वह खुद ज़्यादा मदरा का सेवन करते हैं वैसी दरिद्रता उनके ऊपर आ जाती है पूर्ण रूप से और घर में भी दरिद्रता रहने लगती है। नहाने धोने को मन नहीं करता, किसी काम पे जाने को मन नहीं करता, जिनके घर में भी जे विद्या अगर लग जाए। और शराब, शराब का जो सेवन है, मदरा का जो सेवन है, पानी की तरह वह सेवन करना शुरू कर देते हैं जिस भी घर में ये बुरी शक्ति नेगेटिविटी का वास हो जाए। तो जब हमारे घर में कोई ऐसी विद्या लग जाती है तो देखो जिस व्यक्ति के ऊपर ये विद्या होती है उसका तो जीवन नरक बन ही जाता है, लेकिन जो पूरे घर परिवार वाले होते हैं उनका जीवन भी दुखों से भर जाता है, पूर्ण रूप से दरिद्रता छा जाती है जिनके घर में ये विद्या लग जाए। तो इसको दूर करने का मैं सरल सा ये आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आपको किसी तंत्र के साधक के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस उपाय को करेंगे। क्योंकि जो मसान का बंधन है या घोर का बंधन है, कोई ना कोई प्रेत ही होता है, प्रेत का ही बंधन होता है, तो ये जो प्रेत का बंधन है आप खुद इसको दूर कर सकते हैं, घोर विद्या के द्वारा है या फिर शमशान के विद्या के द्वारा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यह जो विद्या होती है कोई तंत्रिक साध भी आपके घर में ऐसी विद्या लगा
देता है। जिनके पास किसी प्रकार की कोई सिद्धि होती है, प्रेत आत्मा की सिद्धि होती है, तो वह भी आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी का वास कर देते हैं। तो इनको आप दूर कैसे कर सकते हैं? सरल विधि के द्वारा, और दो मिनट में आपको यह रिजल्ट देगा यह जो उतारा है। तो इसके लिए जो आपने उतारा करना है, अघोर प्रेत का यह जो बंधन है इसको दूर करने के लिए, तो दो रोटी बनानी है आपने, एक मीठी रोटी और एक नमक मिर्च वाली रोटी। और ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड पकानी है और एक साइड कच्ची रखनी है। और ये जो दो रोटी है, दो रोटी के ऊपर आपने थोड़े से चावलों को बॉईल कर लेना है। कच्चे चावलों को बॉईल करने के बाद वह जो चावल है उनमें से पानी निकालने के बाद दो रोटी के ऊपर उनको आपने रख देना है। ये प्रेत के नाम के चावल हैं। उसके बाद इन चावलों में एक चम्मच चीनी का थोड़ा सा देसी घी आपने मिला देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद इनके ऊपर आपने दो लड्डू बूंदी वाले और सात मीठे बतासे रखने हैं। और ये जो दो लड्डू और सात बतासे, इनके ऊपर एक एक काजल का टीका और एक एक सिंदूर का टीका आपने लगा देना है, जिस भी घर में ये प्रेत का बंधन लगा हो। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में मदरा वगैरह ज़्यादा पी रहा है, शराब का सेवन अगर आप कोई ज़्यादा कर रहा है जिसके ऊपर ये विद्या लगी हुई है, तब आपको मदरा देनी पड़ेगी। एक क्वार्टर शराब का लें, शराब का क्वार्टर लेने के बाद उसका ढक्कन खोल लें जो क्वार्टर शराब का होगा, और इसी रोटी के ऊपर वह क्वार्टर शराब का भी रख देना है। पहले ढक्कन खोल लें, फिर से उसका ढक्कन लगा कर उसके ऊपर आपने इसको रख देना है। और उसके बाद आपने ये जो उतारा है पूरे घर से इसको घुमाना है। पहले गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी और सरसों का तेल डालने के बाद जब उसमें से धुआं निकलने लगे, उसके बाद उसके ऊपर से सात बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज इस उतारे को आपने घुमा लेना है। पूरे घर में से इसको आप घुमा लें। फिर जिस किसी व्यक्ति के ऊपर जो बंधन है तो उसके ऊपर से सात बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज वारने के बाद इसको दो स्थान के ऊपर आप केवल रख सकते हैं, या तो शमशान भूमि में, और दूसरा जो स्थान है किसी बहती नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे जाकर आप इसको रख कर आ सकते हैं। तो इससे आप इस बुरी शक्ति के बंधन से, जो अघोर प्रेत का जो शमशान का बंधन है, तो इससे आप मुक्त हो जाएंगे केवल दो मिनट में। अगर कोई शराब का सेवन घर में नहीं कर रहा तो जो जो है भोग प्रसाद है तब आपने मदरा नहीं देनी, शराब का जो क्वार्टर है वह नहीं देना, बाकी जो शेष वह सामग्री है उसको पूरे घर से घुमाएं। ऐसी उस व्यक्ति के ऊपर से वारने के बाद माता मदानन या माता शीतला के मंदिर में जाकर आप चढ़ा सकते हैं। खुले कलर में, दान चौगान में, शमशान में, नदी के किनारे आप उसको चढ़ा सकते हैं। एक ही बार आप इसको चढ़ाएं, इस भोग प्रसाद को दें, तो अघोर प्रेत मसान का ये जो बंधन है इससे आप दो मिनट में आप मुक्त हो सकते हैं। और ये उतारा करने के बाद सीधा आप अपने घर में आए, रात्रि के समय आपने ये उतारा करना है, किसी भी दिन कर सकते हो आप। और घर में आने के बाद घर में कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं, गंगा जल का छींटा दे सकते हैं, कोई भी धूप दीप आप करें, तो इससे जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता है उनका आपके घर में पहरा हो जाएगा और इस बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।